गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, रेलवे लट 91 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो रेलवे लट 91। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और उनके क्या सही जवाब होंगे और उनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। तो आज का पहला इम्पोर्टेंट सवाल है, इसरो द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई। स्पष्टीकरण की बात करें तो इसरो अब 22 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च करेगा। 15 जुलाई को तकनीकी खामियों की वजह से इनकी लॉन्चिंग टाल दी गई थी। इसके रॉकेट सिस्टम में कुछ खामियां बताई गई थी। अभी से श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई को दोपहर 2:43 पर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बना रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोटा वायरस। स्पष्टीकरण की बात करें तो रोटा वायरस के अनुमूलन हेतु इस टीकाकरण योजना का कार्यान्वयन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। रोटा वायरस वैक्सीन को भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। यह टीकाकरण कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 300 दिवसीय लक्ष्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य देश में जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय के लक्ष्य फिर से बात करें तो मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा, मेघालय के गवर्नर है तथागत राय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। स्पष्टीकरण देते हैं, इस नीति का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ सतत विकास और जल संसाधनों का इस्तेमाल करना है। इस नीति से स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार होगा और लोगों के बीच भेदभाव नहीं होगा। जीवन यापन हेतु पानी के इस्तेमाल एवं जन निकायों का कैसा संरक्षण किया जाए जैसे मुद्दों को इस नीति में जगह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाला छिंत्रवा देश बन गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पलाऊ। पलाऊ की राजधानी गेरुलमुंड, पलाऊ देश की मुद्रा अमेरिका डॉलर। स्पष्टीकरण देखते हैं, पलाऊ ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में प्रेम वृक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए। पलाऊ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का छिंत्रवा सदस्य है। पलाऊ ओशनिया में स्थित एक देश है, इसमें 500 से अधिक द्वीप शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर नवंबर 2015 में COP21 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान की थी। इसका प्रेम वृक्ष समझौता दिसंबर 2017 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईटी कंपनी माइंडटी का गैर कार्यकारी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, AM नाइक। स्पष्टीकरण की बात करें तो लार्सन एंड टूबो LLT के ग्रुप चेयरमैन AM नाइक को आईटी कंपनी माइंडटी का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। LLT ने हाल ही में माइंडटी ने बहुलांश हिस्सेदारी खरीद कर इसका अधिग्रहण किया है। माइंडटी के CEO रोस्तोरावन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कृष्ण कुमार नटराज और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन NS फार्थसारी 7 जुलाई की शुरुआत में पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल मंडेला दिवस। स्पष्टीकरण की बात करें तो रंगभेद को मिटाने में मंडेला के योगदान के सम्मान में साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस नेशनल मंडेला डे के रूप में घोषित कर दिया है। नेल्सन मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका में 18 जुलाई 1918 को हुआ था। उन्होंने लोग अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। मंडेला 10 मई 1994 से 14 जून 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। वे अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय और जनजातीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्यसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 पारित किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। स्पष्टीकरण की बात करें तो आंध्र प्रदेश, इस विधेयक में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 450 करोड़ रुपए तथा जनजातीय विश्वविद्यालयों के लिए 420 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा ने इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार इस विश्वविद्यालय को अगले 4 वर्षों में स्थापित कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के विधि आयोग ने मॉब लिंचिंग की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर ऐसे मामलों में शामिल आरोपियों को उम्र कैद की सजा देने की सिफारिश की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। स्पष्टीकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस आदित्य मित्र ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 128 पृष्ठों की एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो कानून बनेगा उसे उत्तर प्रदेश कॉम्बेटिंग मॉब लिंचिंग एक्ट के नाम से जाना जाएगा। कमीशन ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि आरोपियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट की रहेगी। यदि वे इस काम में असफल रहते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के तहत पीड़िता के परिजनों को जान माल के नुकसान के आधार पर मुआवजा भी दिया जाएगा। मैंने पूछी थी कल के वीडियो में एक सवाल, करीब करीब दोस्तों ने इसका राइट आंसर दिया और यह पिछले वीडियो का MCQ। चलिए देखते हैं, केंद्र सरकार के बाद हाल ही में किस राज्य ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण लागू किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। और अब आज का सवाल आपके लिए, वर्ल्ड इमोजे डे कब मनाया जाता है? तो अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे रेलवे लाइट 91। जय हिंद, जय भारत।